तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस के यूज़र हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक और न्यू अपडेट इंडिया पे Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस के लिए यार Realme की तरफ से रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आपको कौन से वर्जन के दौरान आपके Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस के अंदर अपडेट देखने को मिला है, अपडेट का साइज कितना है, एंड इस न्यू अपडेट के बाद आपके डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेगा, यानी आपके Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस के अंदर इस अपडेट को करने के बाद आपको क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा, A to Z इस अपडेट के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उससे पहले यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोज आपको फ्यूचर पर और भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस के अंदर जो न्यू अपडेट यहाँ पर इंडिया पे देखने को मिला है यार, बहुत ही बढ़िया न्यू अपडेट। अपडेट का यहाँ पर वर्जन है C.14। जी हाँ, C.14 वर्जन के दौरान एक और न्यू अपडेट Realme 9 Pro Plus डिवाइस के लिए इंडिया पे रोल आउट होना स्टार्ट यार हो चुका है। तो अगर आपके पास Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना होगा यार। सबसे पहले काम कीजिए, आपके डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन पर जाकर आप चेक कीजिए। ये जो C.14 अपडेट है, न्यू अपडेट बेस्ड ऑन Realme UI 4.0 Android 13, ये अपडेट आपके डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर आपको आपके डिवाइस के अंदर ये अपडेट देखने को मिल चुका है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपकी डिवाइस को तुरंत अभी के अभी अपडेट कर लो। और ये अपडेट आपके डिवाइस के अंदर अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट पे मैं यानी एंड पे आपको बताऊंगा अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो आप कैसे अपडेट करेंगे तुरंत, यानी अभी की अभी, ठीक है। तो इस C.14 अपडेट की हम लोग साइज़ की बात करें तो 765 MB, जी हाँ 765 MB के दौरान एक मीडियम साइज़ का अपडेट देखने को मिला है इंडिया पे यार, और Realme 9 Pro Plus 5G ऑल इंडियन यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो C.14 अपडेट है, इस अपडेट के बाद आपके Realme 9 Pro Plus डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या न्यू फीचर्स मिलते हैं, यानी इस अपडेट को करने के बाद आपको क्या क्या न्यू एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको सितंबर महीने का लेटेस्ट यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिलता है। जी हाँ, आपको एकदम यार इसी महीने का सितंबर का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जो एक बहुत ही बढ़िया बात होता है। यहाँ पर Realme ने इस C.14 अपडेट के बाद आपको एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पर एनहेंस सिस्टम सिक्योरिटी, तो आपकी डिवाइस की सिस्टम की सिक्योरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस एंड काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। उसके बाद यहाँ पर देखिए यार, सिस्टम के अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण एंड सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो सबसे यहाँ पर बढ़िया फीचर देखने को मिलता है इस अपडेट के बाद, वह दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। यानी इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस की जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है एंड जो यहाँ पर सिस्टम का स्टेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है। यानी अगर आपका डिवाइस यहाँ पर लैग करता था, हैंग करता था, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता था, तो ये जो अपडेट है C.14 अपडेट, इस अपडेट को आप कर लेना। इस अपडेट को करने के बाद आपका Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी बढ़िया चलेगा, यानी आपको बिल्कुल भी यहाँ पर लैग प्रॉब्लम, हैंग प्रॉब्लम, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आपके डिवाइस का जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है एंड जो सिस्टम का स्टेबिलिटी है उसको काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है। यानी अपडेट को करने के बाद अब भी आप यहाँ पर जब भी कोई एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, लाइक यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या पर व्हाट्सएप के अंदर कोई भी चैटिंग करोगे, मैसेजिंग करोगे, या फिर यहाँ पर फेसबुक के अंदर स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब के अंदर वीडियो स्क्रॉल करोगे, तो आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको लैग प्रॉब्लम, जिटर वगैरह कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को यार नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ कर दिया गया इस अपडेट के बाद। उसके बाद देखिए, अभी भी यहाँ पर स्टिल बहुत सारे यहाँ पर Realme 9 Pro Plus यूजर्स को यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। तो अगर आपको बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिलता है तो ये जो C.14 अपडेट है, न्यू अपडेट Realme 9 Pro Plus डिवाइस के लिए, इस अपडेट को आप डेफिनेटली कर लेना। इस अपडेट को करने के बाद आपको लैग प्रॉब्लम, हैंग प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आपका डिवाइस का जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता था, पर ये जो अपडेट है, इस अपडेट को आप कर लेना। इस अपडेट को करने के बाद आपको यहाँ पर लगभग आप मान के चल सकते हो 1 से 1.5 दिन का तो आपका बैटरी बैकअप डेफिनेटली, जी हाँ 100% आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इस अपडेट के बाद,
जो एक यार बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हीटिंग इशू को प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाए। जी हाँ, यहाँ पर हीटिंग इशू देखने को मिलता था Realme 9 Pro Plus डिवाइस, यहाँ पर गेम खेलते टाइम या पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते टाइम यहाँ पर गर्मी के मौसम में बहुत हीट होता था, तो हीटिंग प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिक्स कर दिया गया इस अपडेट के बाद। यानी इस अपडेट को करने के बाद आपके डिवाइस को आप यहाँ पर हेवीली यूज़ करना, गेम खेल के देखना, यहाँ पर कैमरा के अंदर फुल ब्राइटनेस करके फोटोज़ वगैरह क्लिक करके देखना, आपको पिछले अपडेट के मुकाबले इस अपडेट को करने के बाद आपको थोड़ा कम यहाँ पर हीटिंग इशू मिलेगा। यानी हीटिंग इशू आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपके Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस के अंदर इस अपडेट के बाद। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, Realme 9 Pro Plus डिवाइस के अंदर गेम खेलता है यार, कोई PUBG खेलता है, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, तो कोई यहाँ पर BGMI खेलता है। तो जो चारों गेम्स का मैंने आपको नाम बताया, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और BGMI, इन चारों गेम्स में से आप कौन से गेम को खेलते हो आपके Realme 9 Pro Plus डिवाइस के अंदर, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप कौन से गेम को खेलते हो भाई। ठीक है, तो देखिए गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है ये जो C.14 अपडेट इस अपडेट के बाद। यानी गेम खेलने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पार्टिकुलर अपडेट के बाद। यानी आपको एकदम स्टेबल फ्रेम रेट के साथ अच्छा बढ़िया स्टेबल गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। गेम खेलते टाइम आपको बिल्कुल भी लैग प्रॉब्लम, हैंग प्रॉब्लम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी स्मूथ एंड यहाँ पर काफ़ी स्टेबल कर दिया गया है Realme की तरफ से यहाँ पर C.14 न्यू अपडेट के बाद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर समझ गए होंगे और Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस के अंदर आपको कौन से वर्जन के दौरान अपडेट मिला है एंड अपडेट का साइज़ कितना है और अपडेट क्या करने के बाद आपके डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, यानी क्या क्या इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। तो देखिए लगभग यहाँ पर एक दो महीना बाद अपडेट मिल रहा है, तो अपडेट अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा, तो देखिए तो यहाँ पर अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो यहाँ पर एक हफ्ता वेट करो, कम से कम एक हफ्ता वेट करो। एक हफ्ते के अंदर आपके डिवाइस के अंदर डेफिनेटली श्योर, यहाँ पर 100% श्योर होकर मैं आपको बोल रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर आपके सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन के अंदर ये जो C.14 अपडेट है ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तब जाकर आप अपडेट कर लेना एंड एंजॉय कर लेना। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए यार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यार। तो वीडियो को यार इतने देर अगर देख रहे हो तो लाइक करके जाना। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो पास में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको भी आप डेफिनेटली ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि Realme 9 Pro Plus 5G डिवाइस के अंदर फ्यूचर पे जो भी अपडेट्स आएंगे Realme की तरफ से उसका वीडियो आपको सबसे पहले तुरंत हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब यार सब कुछ आप कर देना जो आपसे हो सके, सब कुछ आप ध्यान से याद रख के कर देना, ताकि ऐसे वीडियोज आप फ्यूचर पे और भी देख पाओ हमारे चैनल के अंदर। ओके भाई, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो बस इतना ही।